हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। तो ये हमारी फिज़िक्स की थर्ड क्लास है। हम दो क्लासेस कर चुके हैं। तो सेकंड क्लास में हमने क्या किया था, हमने लॉज ऑफ मोशन किए थे और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में एमसीक्यू दिए थे उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द लॉ दैट गिव अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें डेफिनेशन देता है फोर्स की, एंड जो सेकेंड लॉ है मोशन का वो हमें उसकी मेजरमेंट के बारे में बताता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मोमेंटम ऑफ अ टॉय बस ऑफ 0.02 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 m/s इज। तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम पूछा गया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास कितना दिया गया, 0.02। जब हम इसे 0.02 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ 10, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। इम्पल्स इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है इम्पल्स इक्वल टू। इम्पल्स का क्या है, ये भी आपको फॉर्मूला बताया था। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। ओके, तो ये थे इसके आंसर्स। नाउ सेकंड वन, इसके बाद है फोर्थ, एन एथलीट कैन टेक अ लॉन्गर जंप इफ ही कम्स रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट व्हेन ही जंप सडनली, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनर्शिया। इसमें है इनर्शिया ऑफ मोशन। होता क्या है, कोई भी एथलीट लॉन्ग जंप लेने से पहले कुछ देर तक भाग के आता है, तो वो क्या होता है, पहले वो मोशन में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो पहले लास्ट क्लास देखें, उसके बाद ये एमसीक्यू समझें। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट विद मासेस 100 kg एंड 75 kg रिस्पेक्टिवली, देन बोथ विल हैव द सेम इनर्शिया, बी विल हैव मोर इनर्शिया, ए विल हैव मोर इनर्शिया, बोथ विल हैव लेस इनर्शिया। तो क्या होगा, ए विल हैव मोर इनर्शिया। क्यों, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, सो ए विल हैव मोर इनर्शिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स। ये मोशन का लास्ट टॉपिक है, फोर्स एंड फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक्स हैं। हमने मोशन के मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। तो ये हमारा फोर्स एंड फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक है मोशन का। ओके, नाउ फोर्स कितने टाइप्स की बताई गई है, यहाँ पे फोर्स टू टाइप्स की है, मेन सेंट्रिपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नो, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रिपिटल में क्या बताएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीफ्यूगल में भी सेम डेफिनेशन है, बस इसमें क्या है, आउटवर्ड फोर्स लगती है। होता क्या है, मतलब आपने कभी देखा है ना, जब भी आप कोई धागे के साथ कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट, बॉल या कुछ बांध देते हो, जब उसे सर्कल मोशन में घुमाते हो तो वो कैसी होती है, वो हमेशा सर्कल में ही मूव करने की कोशिश करेगी, पूरे सर्कल में मूव करती है। एंड हम इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, ये तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है बचपन से कि कैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वो उसको सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हैं वो सारी वो सारी उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, जो भी उनमें प्लैनेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये एक्चुअल फोर्स लग रही होती है, इसका फॉर्मूला है F=mv²r। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²r।
और जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो सब सेंट्रिपिटल फोर्स शो करती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो वो फोर्स जो है आउटवर्ड की तरफ लगाता है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कोई कार है कहीं सर्कुलर वे में आया तो उसको क्या करना है, टर्न करना है। जब वो टर्न करने की कोशिश करेगी तो जो कार है वो रोड के साथ फ्रिक्शन में, मतलब वो क्या करेगी, खुद तो अंदर की तरफ जाएगी लेकिन जो उसमें पर्सन बैठा हुआ है, जो कार है उस पर तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगी लेकिन जो उसमें पर्सन बैठा हुआ है तो उसको क्या होगा, वो बाहर की तरफ उसको फोर्स लगेगी, वो बाहर की तरफ गिरना शुरू कर जाएगा क्योंकि वो अपने आप को इस वे में अपने आप को नहीं डाल पाता है कि वो उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स लगे। तो उसमें क्या होती है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगती है, मतलब आउटवर्ड फोर्स लगती है उसे। जो ड्राइविंग करते हैं उनको तो ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि गाड़ी किस तरह से मूव करती है एंड जो पर्सन उसमें बैठा है उसको कौन सी वाली साइड, बाहर वाली साइड फोर्स लगती है। ठीक है, तो इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे क्रीम सेपरेटर की एग्जाम्पल है। क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, जिस तरह से हम दूध डालते हैं, दूध में से क्रीम को अलग करते हैं, तो उसमें जब जो हैवी पार्टिकल होते हैं, जो मतलब जो क्रीम है वो बीच में इकट्ठी हो जाती है, सेंटर की तरफ इकट्ठी हो जाती है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स आ गई लेकिन जो दूध है वो आउटसाइड बाहर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो उस पर फोर्स लग रही है, आउटसाइड फोर्स लग रही है, तो उसे हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ओके, तो इन दोनों में होता क्या है, सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सेम ही होती हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो अपोजिट होती है सेंट्रिपिटल फोर्स से। जैसे मैंने एग्जांपल बताई, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल थी वो क्रीम सेपरेटर की, तो उसमें क्या था, जो क्रीम थी वो सेंटर की तरफ जा रही थी तो सेंट्रिपिटल फोर्स थी, और जो मिल्क था वो आउटसाइड की तरफ उसे फोर्स लग रही थी बाहर की तरफ, तो वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स थी। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है सेंट्रिपिटल का, बस इसमें अपोजिट था तो इसमें यहाँ पर माइनस है। ओके, और ये अपेरेंट फोर्स है, सीडो फोर्स है, ट्रू फोर्स नहीं लग रही है इसमें, इसे अपेरेंट फोर्स, सीडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स कहा जाता है। नो, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पिनिंग अ बॉल इन अ स्ट्रिंग, ये मैंने आपको बताया था। साइकिलिंग में भी ऐसा ही होता है, प्लैनेट्स का मैंने आपको बताया। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में टर्निंग अ कार, कार को टर्न करते टाइम जो पर्सन जो है उसको बाहर की तरफ फोर्स लगती है, वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल है। क्रीम सेपरेटर भी इसकी एग्जांपल है। सेंट्रिफ्यूगल ड्रायर, ड्रायर में भी जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, कपड़े हैवी होते हैं तो वो सेंटर की तरफ मूव करते हैं एंड जो उसमें पानी होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ये भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की एक एग्जांपल है। नो, ये था हमारा फोर्स का कंसेप्ट। अभी हम करने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन, जो उसकी मूवमेंट है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जैसे अगर हम देखें तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, जब भी हम बॉल मतलब बैट के साथ बॉल मारते हैं तो कुछ दूर ग्राउंड में जाने के बाद वो अपने आप रुक जाती है, या फिर हम ऐसे ही बॉल फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आप रुक जाती है। वो कैसे रुक जाती है, जो ग्राउंड है और जो बॉल है उन दोनों के सरफेस जो हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण ग्राउंड जो है वो बॉल की मूवमेंट को रोक देता है या कम कर देता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। कुछ फोर टाइप्स हैं फ्रिक्शंस की, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर हम इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी, जब दो बॉडीज होती हैं, मतलब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को मूव नहीं करवाने देती, हम उसको कोई भी ई फोर्स लगा ले, मतलब एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, हम उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं, उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है,
तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है मतलब, और उसे हम बोलेंगे स्टेटिक फ्रिक्शन। स्टेटिक का मतलब वो एक ही जगह पे रहता है, मूव नहीं करता है। नाउ सेकेंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब वो हैवी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करता है अपनी जगह से, थोड़ा सा हिल जाता है, मतलब बॉडी केप्ट ऑन सरफेस जस्ट बिगिन टू मूव, वो थोड़ा सा हिलना शुरू कर जाता, थोड़ा सा हिल जाता है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। फिर उसका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को ऐसे गोल गोल करके रोल करके घुमाते हैं, नीचे की तरफ धक्का देते हैं। अगर कोई भी इस तरह से स्लाइडिंग में कुछ है, तो यहाँ से कोई भी गोल चीज़ जो है, हम उसको नीचे की तरफ यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, तो वो किस तरह से आएगी, इस तरह से गोल घूमती हुई आएगी ना। तो ये क्या करिए, रोलिंग एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे पे रोलिंग फ्रिक्शन लगा रहा है। नो फोर्थ आ गया काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, तो वो इस तरह से जा रही है, थोड़ी स्लाइड होके जा रही है यहाँ से, तो इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में थी, स्टेटिक फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन है, मतलब हमें सबसे कम फोर्स लगती है रोलिंग के टाइम पे किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में। स्टेटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है, और वो एक जगह से मूव नहीं करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नो एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में क्या आ जाता है, वॉकिंग एंड ब्रेक। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम ग्राउंड पे खड़े ना हो पाए और वहाँ चल भी ना पाए। क्या होता है, जब एक ग्राउंड और हमारे पाँव के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं। जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे हमें स्लिप होता रहता है। जैसे अगर हम आइस की बात करें, अगर हम कहीं स्नो वाली जगह पे जा रहे हैं, स्नो पर चल रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हम फिसल जाते हैं। तो फ्रिक्शन ना होने के कारण हम अच्छी तरह से चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे ब्रेक्स भी काम ना करें। ब्रेक्स अप्लाई करने पर हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाती है, फ्रिक्शन ना होने के कारण वो भी अप्लाई नहीं होंगे। नो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम मशीन्स की बात करें, मशीन्स में फ्रिक्शन होने के कारण उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे उसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, ज़्यादा हीट लॉस होगी, जब भी कोई मशीन्स काम करती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। वो गर्म किस कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण, एंड उसमें एनर्जी लॉस्ट भी होता है। उसमें हम ज़्यादा तेल वगैरह जो भी उसमें अप्लाइंसेस चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की। इसके बाद क्या था, ये जो हमने किया इसमें मोशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकता है। जितना भी कुछ इम्पॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये थे आपके मोशन के कुछ कंसेप्ट्स। नाउ अभी हम करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है जो कि अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में बताया गया है। तो एसआई यूनिट तो बहुत सारे हैं, पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट्स करेंगे। ओके, नाउ जैसे लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ऐसा यूनिट होते क्या हैं, ये इंटरनेशनल यूनिट होते हैं जो पूरे इंटरनेशन मतलब हमारे इंडिया में भी और फॉरेन में भी एक जैसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, ये तो सिंपल है, ये तो सभी को पता होंगे। और इसका सिंबल है एम, मास का एक किलोग्राम, सिंबल है केजी, टाइम का सेकेंड, सिंबल है एस, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट किया जाता है और सिंबल है ए, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को हम केल्विन से डिनोट करते हैं और इसका है के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से करते हैं और इसका सिंबल है एमओएल, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम कितना मोल सब्सटेंस ले रहे हैं। एल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडीला। नाउ सेकेंड भी हैं कुछ, जैसे फोर्स, फोर्स का है, फोर्स और वेट का होता है न्यूटन। फ्रीक्वेंसी का है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का है कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का है वोल्ट,
इंडक्टेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस फैराड, रेजिस्टेंस इंपीडेंस या रिएक्टेंस का ओम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सीमन, मैग्नेटिक फ्लक्स का वीबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला, एनर्जी वर्क हीट है जूल, पावर रेडियंट फ्लक्स वॉट, एंगल रेडियन, रेडियो एक्टिविटी का वेक्टरल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस फ्लक्स का है ल्यूमन। ये कुछ ऐसा ही यूनिट थे जो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ मुझे और भी लगेगा इनमें इंपॉर्टेंट मोशन चैप्टर में से या फिर इन ऐसा यूनिट्स में से, ये मैं आपको आगे भी डिस्कस कर लूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये सब, आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो ना। इसके अलावा इसमें कुछ MCQs हैं जो कि आप इसके आंसर दें। While riding the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begins to slow down? Bicycle चलाते time अगर bicycle हम pedaling करना छोड़ दें तो वो slow क्यों हो जाती है? Earth's gravitational force acts on it. It is not accelerated. No unbalanced force act on it. Frictional force act on it. तो इनमें से क्या हो सकता है? तो इसका answer बताएं। Consider the following statement related to the force of friction. Friction के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। इट इज़ अ फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, फ्लूड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो मतलब ये एक फोर्स है जो कि सॉलिड सरफेस, फ्लूड या किसी भी मटेरियल के मोशन को क्या करती है, रोकती है, रेजिस्ट करती है। When surfaces in contact move relative to each other, the friction between the two surfaces convert kinetic energy into thermal energy. That is, it convert which work to heat. मतलब इसमें क्या है, जब भी surfaces एक जो एक दूसरे कंटेक्ट में है, जो मूव करती हैं, जो उनके बीच की फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ओके, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फ्रिक्शन के लिए करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, दोनों है या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है? तो इसका आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि इन जो वीडियो जो मैंने अभी वीडियो बनाई है आप उसे दोबारा देखें अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इसके आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब मैंने फर्स्ट क्लास की थी तो उसमें एक क्वेरी आई थी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो मैं उसे बता दूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैं इसको नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करूं, मान लो ये हमारे पास पॉइंट है कोई भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी, तो क्या होगा अगर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डी, अगर कोई पर्सन जो है वो ए पोजीशन से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मूव करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो ए टू बी जाएगा, बी टू सी जाएगा, तो वो क्या शो करता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ओके, और अगर वही पर्सन वापस ए पे आके रुक जाता है तो वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। एंड वही पर्सन अगर वापस सी से लेकर डी तक जाने की कोशिश करेगा, कैसे, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और वापस से डी तक जाने की कोशिश करेगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था जो इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू किया है वहाँ से फाइनल तक जाने के लिए जो हमें डिस्प्लेसमेंट, जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था, ज़ीरो के बारे में पढ़ा था, और नेगेटिव कैसे होगा अगर यहीं से हम ए पोजिशन से डी तक जाने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन में इस साइड पॉजिटिव होती हैं और इस साइड नेगेटिव होती हैं। जब हम इसे जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस साइड जब हम मूव करेंगे तो ये नेगेटिव डिस्टेंस शो करेगा। ओके, तो इस तरह से ये नेगेटिव होगी। आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।